चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही पिंगल नामक सावंसर यानी हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो जाएगी। इस साल चैत्र नवरात्रि में माता का वाहन नाव होगा। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आश्विन और चैत्र मानस की नवरात्रि सबसे ज्यादा प्रचलित है। चैत्र नवरात्रि से ही नए युग की शुरुआत हुई थी, इसलिए संवत का आरंभ भी चैत्र नवरात्रि से ही होता है। चैत्र नवरात्रि में इस बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि मनाई जाएगी। नवरात्रि के दौरान 3 स्वार्थ सिद्ध योग 23 मार्च, 27 मार्च और 30 मार्च को लगेगा। रवि योग 24 मार्च, 26 और 29 मार्च को लगेगा। नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी के दिन गुरु पूज्य योग भी रहेगा। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से की जाती है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि इस बार 22 मार्च को पड़ रही है। इस दिन कलश की स्थापना भी की जाएगी। घट स्थापना का सबसे अच्छा समय सुबह 6:23 से 7:32 तक रहेगा। वहीं कलश स्थापना के दिन कलश को गलत दिशा में स्थापित करने से बचे। ईशान कोण देवताओं की दिशा होती है, इस दिशा में ही कलश को स्थापित किया जाता है। शारदीय नवरात्रि पर अगर आप कलश की स्थापना करने वाले हैं तो ध्यान रखें कि कलश का मुंह खुला ना रहे, इसे किसी ढक्कन से ढककर ही रखें। ढक्कन को चावलों से भर दे और उसके ठीक बीचों बीच नारियल रखें। कलश को स्थापित करने से पहले देवी माँ के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इस दिशा को आग्नेय कोण में रखें। कलश स्थापना करते वक्त साधक को अपना चेहरा पूर्ण या उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। घर में आप जिस जगह पर कलश स्थापना करने वाले हैं या देवी की चौकी लगाने वाले हैं, वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घट स्थापना चंदन की लकड़ी पर करें तो शुभ होगा। घट स्थापना का स्थल बाथरूम या किचन के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर पूजा स्थल के ऊपर कोई अलमारी या सामान रखने की जगह है तो उसे भी अच्छी तरह साफ कर ले। कलश स्थापना की विधि शुरू करने से पहले सूर्योदय से पहले उठे और स्नान करके साफ कपड़े पहन ले। उसके बाद एक साफ स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इस कपड़े पर थोड़े चावल रखें। एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दे। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा बांधे।